हम में कोई ज्यादा अंतर नहीं। आज हम जो जीवन जी रहे हैं ना, श्री राम ने वो जीवन जी करके हमें बताया कि वर्तमान में भी उनकी उतनी ही आवश्यकता है। यदि मनुष्य को मनुष्य बनना है तो राम को जानना पड़ेगा। यदि मनुष्य को मानवीय गुणों से जीवन जीना है तो राम जी के गुणों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा, तभी ये मनुष्य मनुष्य बन पाएगा। महाराज अभी अभी जैसे राकेश जी कह रहे थे ना, मानव सत्संग समिति, तो मानव मानव कब बन पाएगा? राम केवल इतिहास पुरुष नहीं है, राम केवल राजा नहीं है, राम वो तत्व है जो आज भी जन जन के मन में और जन जन के तन में विराजमान है। महाराज यदि हमें मानव बनना है तो हमें राम के आदर्शों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा, हम पीछे नहीं हट सकते। राम वो इसलिए तो मानसकार ने लिखा, प्रश्न सहज है पर राम को जानना कठिन है। एक आदर्श पिता का जब नाम आता है तो श्री राम का, एक आदर्श पुत्र का नाम आता है तो श्री राम का, एक आदर्श पति के रूप में श्री राम, एक आदर्श पुत्र के रूप में श्री राम, एक आदर्श भाई के रूप में श्री राम, कितने स्वरूप हैं, स्वामी के रूप में। सारे अयोध्यावासी मांगते हैं कि हमें स्वामी मिले, तो हर जन्म में राम ही मिले। और तो और वानर भालुओं ने मांगा महाराज कि हमारा जीवन धन्य हो गया राम से जुड़ करके। राम कोई सहज नहीं है, वानर भालुओं को भी जो अपनी शक्ति बना ले और जो वानर भालुओं के माध्यम से अखंड राष्ट्र की स्थापना कर दे, राम वो है महाराज। जिनके हाथ में एक धनुष और बाण के अलावा कुछ नहीं था, जिनके पैरों में पहनने के लिए पैरों में चरण पादुका भी नहीं थी, और विश्व विजेता रावण को जो जीत ले वो राम है। सच्चाई यही है। उस समय भगवान कहते हैं कि रावण जिन गुणों से मरेगा, रावण जिस रथ से मरेगा, वो रथ रावण के पास नहीं राम के पास है। और वो रथ कौन सा है? वो आचरण का रथ है, वो पवित्रता का रथ है, वो मर्यादा का रथ है, वो संस्कारों का रथ है, जिस रथ पर बैठ करके राम रावण पर विजय करते हैं। इसीलिए महाराज कृष्ण तो सरल है, राम कौन? पर ये बताना मुश्किल कि राम कौन है।